श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आज मैं आपको सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के विराट स्वरूप के बारे में अद्भुत प्रसंग सुनाऊंगा। भक्तजनों, इस प्रसंग में आप लंबोदर श्री गणेश जी की महिमा और उनके अनेक स्वरूपों के बारे में भी जानेंगे। भक्तजनों, साथ ही आप जानेंगे कि आखिर गणेश जी है कौन, उनके क्या कार्य है और उनके स्वरूपों की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई। तो भक्तजनों, आइए जानते हैं गौरी नंदन के विराट स्वरूप की महिमा और उनके बारे में रोमांचित करने वाली यह कथा। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, भगवान श्री गणेश जी 33 कोटि देवी देवताओं में से एक अति प्राचीन देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद में श्री गणेश जी को गणपति शब्द से संबोधित किया गया है। अनेक धर्म ग्रंथों पुराणों में भगवान गणेश जी की अद्भुत महिमा का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में आदि देव भगवान शिवशंकर महादेव के परिवार में भी गणेश जी का अति महत्वपूर्ण स्थान है। भक्तजनों, भारतीय धर्म संस्कृति में प्रत्येक शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भगवान गणेश जी गजानन, लंबोदर, एकदंत, विनायक आदि अनेक नामों से पूजे व जाने जाते हैं। इनके पिता भगवान शिव जी हैं। इनकी माता जगत माता, माता पार्वती जी हैं। इनका जन्म भाद्र पद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्याह्न के समय हुआ था। इनका धर्म संप्रदाय हिंदू बताया गया है। इनका विवाह रिद्धि सिद्धि नामक दो महान देवियों से हुआ है। शास्त्रों में गणेश जी के बीज मंत्र का जो उल्लेख आता है वह बीज मंत्र है, ओम गम गणपतये नमः। इसके अलावा और अनेक अनेक मंत्र भी है, लेकिन मूल बीज मंत्र यही है, पुनः ओम गम गणपतये नमः। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र का जप करने से अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति जपकर्ता को होती है। श्री गणेश जी का वाहन सिंह, मयूर और मूषक भी हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं, और इन्हें मोदक, बेसन के लड्डू आदि भोग सबसे प्रिय बताए गए हैं। पूरे साल गणेश जी के पर्व त्यौहार के रूप में श्री गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, मासिक चतुर्थी आदि गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और हर माह बुधवार के दिन गणेश जी की विशेष पूजा आराधना भी करने का विधान है। भक्तजनों, शास्त्रों में भगवान गणेश जी के प्राकृतिक स्वरूप एक दंत और चतुर्बाहु है। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वर मुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण अर्थात लाल रंग के, लंबोदर लंबी सूंड वाले, सूर्प कर्ण तथा बड़े बड़े कान वाले तथा पीत वस्त्रधारी पीताम्बरी वस्त्र को धारण करने वाले हैं, जो रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन धारण करते हैं, तथा इन्हें रक्तवर्ण के लाल रंग के पुष्प भी सबसे प्रिय होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। धार्मिक मतानुसार हिंदू धर्म में श्री गणेश जी का सर्वोपरि स्थान है, और सभी देवी देवताओं में इनकी पूजा अर्चना सबसे पहले करने का विधान है। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्र पुराणों की एक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव की दृष्टि पड़ने से शिशु रूप में श्री गणेश जी का सिर जलकर भस्म हो गया था। दुखी गणेश जी की माता के दुख को दूर करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं ने धरती पर सूर्योदय के समय हाथी के बच्चा जो कि सबसे पहला मिला था उसका सिर काटकर गणेश जी के सिर पर लगा दिया। इस प्रकार गणेश गजानन भी बन गए। इसके अलावा दूसरी कथा आती है कि एक बार माता पार्वती गणेश जी को अपने भवन के मुख्य द्वार पर रक्षा के लिए बैठाल कर अंदर स्नान करने लगी। इतने में भगवान शिव शंकर महादेव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने जब उन्हें रोका
तो शिव जी क्रोधित होकर अपनी त्रिशूल से बालक गणेश जी का सिर धड़ से काट कर अलग कर दिया। इसके अलावा शास्त्रों में तीसरी कथा यह भी मिलती है कि भगवान शिव पार्वती अपने शयन कक्ष में थे और द्वार पर गणेश जी को रक्षार्थ बैठाला था। इतने में ऋषि परशुराम जी आए और उसी क्षण शिव जी से मिलने का आग्रह करने लगे। जब गणेश जी ने रोका तो ऋषि परशुराम जी ने अपने फरसे से उनका एक दांत तोड़ दिया। तभी से गणेश जी एक दंत भी कहलाने लगे। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का विराट स्वरूप भक्तजनों, आदि काल में एक भयंकर यक्ष राक्षस निर्दोष लोगों को परेशान करता था और लोगों के कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं होने देता था। उसके हर शुभ कार्यों में विघ्न डाला करता था। यक्ष राक्षस के डर से लोग यक्ष राक्षस की पूजा करने लगे थे। ऐसा होते देख सभी देवता गौरी नंदन गणेश जी की शरण में जाकर उनसे सहायता मांगी। इसके बाद प्रसन्न होकर कालांतर में श्री गणेश जी विराट विघ्नेश्वर रूप धारण करके यक्ष राक्षस का अंत कर दिया। तभी से भगवान गणेश विघ्नहर्ता, विघ्नेश्वर, विघ्न विनायक, विघ्नहर्ता आदि कहलाने लगे और सभी शुभ कार्यों में उनकी प्रथम पूजा होने लगी। भक्तजनों, जीवन के सभी श्रेष्ठ कार्यों में सहायक बनने के साथ साथ सारे विघ्नों का नाश करने के लिए भगवान श्री गणेश जी के इन मंत्रों का जप करने पर गणेश जी भरपूर प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा की वर्षा करने लगते हैं। पहला मंत्र है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात, हे हाथी के जैसे विशालकाय जिसका तेज सूर्य की सहस्त्र किरणों के समान है, बिना विघ्न के मेरा कार्य पूर्ण हो और सदा ही मेरे लिए शुभ हो, ऐसी कामना करते हैं। दूसरा मंत्र है, ओम नमामि देवम सकलार्थदम तम सुवर्णम भुजगोपवितम गजाननम भास्कर मेकदंतम लंबोदरम वारी भाव सननम च। अर्थात, मैं उन भगवान गजानन की वंदना करता हूँ जो समस्त कामनाओं को पूरी करने वाले हैं। सुवर्ण तथा सूर्य के समान देदीप्यमान कांति से चमक रहे हैं। सर्प का यज्ञोपवीत धारण करते हैं, एक दंत है, लंबोदर है तथा कमल के आसन पर विराजमान है। अगला मंत्र है, ओम एक दंत महाकायम लंबोदर गजाननम विघ्न नाश शंकरम देवम हेरम्बम प्रणमाम्यहम। अर्थात, जो एक दांत से सुशोभित है, विशालकाय शरीर वाले है, लंबोदर है, गजानन है तथा जो विघ्नों के विनाश करता है, मैं उन दिव्य भगवान हेरम्ब को प्रणाम करता हूँ। अगला मंत्र है, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अर्थात, जो हाथी के समान मुख वाले भूत गणादि से सदा सेवित रहते हैं, कै तथा जामुन फल जिनके लिए प्रिय भोज्य है, पार्वती के पुत्र है तथा जो प्राणियों के शोक का विनाश करने वाले हैं, उन विघ्नेश्वर के श्री चरणों की मैं वंदना करते हुए उनको नमस्कार करता हूँ। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी से जुड़ी यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भगवान श्री गणेश जी की कृपा के अधिकारी बने। गणेश जी आपके सारे कार्य मंगल करेंगे। साथ ही पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।